अमेठी जिले की पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चार अवैध असलहों मय कारतूस सहित अभियुक्त गिरफ्तार। बीते दिन अवैध असलहों के साथ एक युवक की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसको लेकर प्रशासनिक अमले में खलबली सी मच गई थी। मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने युवक की पहचान कर गिरफ्तार करने का निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिया था। मुसाफिर थाना पुलिस उपाधीक्षक मनोज कुमार यादव के सफल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मुसाफिर थाना परशुराम ओझा ने मुखबिर की सूचना पर उक्त व्यक्ति की पहचान दादरा निवासी पूर्ण नंद उर्फ पप्पू तिवारी को अवैध असलहों सहित गिरफ्तार करने में सफलता पाई, जिसका अनावरण पुलिस उपाधीक्षक मनोज कुमार यादव ने 1:30 पर कोतवाली मुसाफिर थाना में किया। बीते 24 घंटे में असलहों के साथ वायरल व्यक्ति को गिरफ्तार करने में एसओजी टीम की भी मुख्य भूमिका रही। ये थी राकेश कुमार की रिपोर्ट। गिरफ्तार किया गया, क्या है पूरा मामला? कल दिनांक 9/12/2020 को सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुआ था अवैध असलहे के साथ। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अमेठी द्वारा निर्देशित किया गया कि इस व्यक्ति को चिन्हित किया जाए कि ये किसका फोटो है। इस संबंध में एसएचओ मुसाफिर थाना द्वारा एक टीम का गठन किया गया और लोगों से पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि यह व्यक्ति दादरा का रहने वाला है। उसका नाम पूर्णानंद तिवारी है, उसी का फोटो है। इस संबंध में एसओजी टीम और थाने की टीम द्वारा दबिश दी गई। मुखबिर की सूचना के आधार पर इन्हें पकड़ा गया। पकड़ने के पश्चात इनके पास से अवैध असलहे जो संख्या में चार थे और चार कारतूस बरामद हुआ। उनसे बुला के पूछताछ किया गया तो उन्होंने और नाम लिए हैं जिनसे इन्होंने खरीदा था। अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इनके खिलाफ मुकदमा लिख लिया गया है और इन्हें माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है, आगे की कार्रवाई की। सर, इनका कोई आपराधिक इतिहास? इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन इनका रास्ते को लेकर एक विवाद है, ये पता चला है। आगे और पूछताछ की जा रही है और जो भी चीज़ होगा कार्रवाई। कुछ लाइव राउंड भी बरामद हुए हैं सर? हाँ, चार कारतूस बरामद हुआ है और चार असलहे बरामद हुए हैं।